हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे HRM, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके रोल के और फंक्शंस ऑफ HRM। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, BCom, MCom, BBE के लिए, नेट वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन कि HRM जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या रोल हैं, फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझें, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच डेवलप्स एंड मैनेज द ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइजेज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नाम से ही लग रहा है कि ये क्या एक ऐसा प्रोसेस है मैनेजमेंट का कि क्या डेवलप करता है, वो डेवलप करता है और मैनेज करता है किसके, ह्यूमन के एलिमेंट्स को ऑफ एन एंटरप्राइजेस। मीन्स ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, उसे हम बोलते हैं HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मीन्स ह्यूमन का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इट इज़ रिलेटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ स्किल्स, एटीट्यूड, एस्पिरेशंस, मोटिवस एंड वैल्यूज, डिज़ायर्स एंड नॉलेज, ETC। ठीक है, मैनेजमेंट की क्या स्किल्स हैं, क्या एटीट्यूड्स हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, उसके क्या मोटिव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बताता है। ह्यूमन के हर एस्पेक्ट को क्या करता है, मैनेज करता है, उसे हम HRM कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, डेवलप करना, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना, इंसेंटिव्स दी जाती है, ठीक है, और गाइड किया जाता है, सुपरवाइज भी किया जाता है, हर एक तरीके से मैनेज किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। ठीक है, ये होता है आपका, क्या होता है कॉन्सेप्ट, आप आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम नेचर की बात करें, नेचर का मतलब क्या, उसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो वो होता है HRM। पहला है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। अभी हमने बताया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, जिसमें हम ह्यूमन के रिसोर्स को मैनेज करते हैं, उसे हम ह्यूमन का ध्यान रखते हैं, उसे हम HRM बोलते हैं, जिसमें जो कि मैनेजमेंट की क्या स्किल्स है, क्या मोटिव्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, ये बताता है हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो एक इंटीग्रल पार्ट हम कहें, इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है। दूसरा है जिसमें कि अब इंटीग्रल पार्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसको प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है, डायरेक्टिंग करना। दूसरा होता है इट इज़ अ परवेजिव फंक्शन। दूसरा नेचर कह रहा है इट इज़ अ परवेजिव फंक्शन, हर एक जगह पे अप्लाई होता है, ठीक है, परवेजिव फंक्शन जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ऐसा नहीं है वो हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो टॉप मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो या लोअर लेवल, हर तरह हर जगह पर क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये काम आता है। तीसरा होता है इट इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव फंक्शन। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंसिव फंक्शन। व्हाट इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव फंक्शन, हर एक लेवल पे काम करता है टाइप ऑफ पीपल, चाहे लेबर हो, मैनेजर हो। कॉम्प्रीहेंसिव फंक्शन का मतलब ये हुआ कि वो हर लेवल पे काम करता है। अब ऐसा नहीं है कि वो कैसे भी पीपल रहे, चाहे वो लेबर हो चाहे मैनेजर हो, तो हर एक पर फंक्शन पर ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट फीचर्स को देखते हैं, क्या है नेक्स्ट फीचर, पीपल ओरिएंटेड। ठीक है, पीपल ओरिएंटेड मतलब HRM किसके अराउंड घूमेगा, भाई पीपल के अराउंड है, ठीक है, ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं तो इट इज़ अ पीपल ओरिएंटेड। दूसरा कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब HRM जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। हम क्या करते हैं ह्यूमंस को, टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करते हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, क्या टेक्निक्स हैं, उनकी क्या सिचुएशन है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं होता है। नेक्स्ट, साइंस एज वेल एज एन आर्ट। हम कहें कि HRM जो है विज्ञान और कला दोनों है, मतलब सारे के सारे जो भी हम प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं वो डिफरेंट टेक्निक्स अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये साइंस एज वेल एज आर्ट दोनों है, क्योंकि वो कुछ प्रिंसिपल्स पे, कुछ रिसर्च पे, इन सारे पे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन। हमने पहले ही पढ़ा कि ह्यूमन रिलेशन पे बेस्ड होते हैं, ह्यूमन रिलेशन पे बेस्ड होता है, ह्यूमन के अराउंड घूमता है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयर का रिलेशन अच्छा हो, सेटिस्फाई रहना चाहिए, तो ह्यूमन के रिलेशन पर बेस्ड ही रहता है। नेक्स्ट फीचर की बात करें, नेक्स्ट फीचर है रिसेंट ओरिजन। रिसेंट ओरिजन का मतलब हुआ बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, HRM जो है एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नया रिसेंट ओरिजन हुआ है। इंटरडिसिप्लिनरी है, HRM कह रहा है इट इज़ अ इंटरडिसिप्लिनरी, ये अकेला सब्जेक्ट नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम हर तरह की स्टडी करते हैं, हर जगह ये अप्लाई होता है, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो, चाहे सोशोलॉजी हो, हर जगह ये अप्लाई करता है, तो ये अकेला HRM एक सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ अ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कह सकते हैं, ठीक है। इट इज़ बेसिक टू ऑल द फंक्शनल एरियाज,
मतलब एचआरएम जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हर फंक्शनल एरिया में ये क्या होते हैं बेसिक, जैसे वो प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंसिंग हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, ये एक बेस होता है किसका, सारे फंक्शनल एरिया का। तो आई होप यू आप लोग को बहुत ज़्यादा ईजिली समझ में आया होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होते हैं, उसकी मीनिंग, डिफिनेशन प्लस उसके नेचर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, और भी जो भी टॉपिक्स हों आगे के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।